वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। जैसा कि स्टूडेंट आपको ध्यान है कि 29 तारीख को डीएसएसबी ने अपना स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम लिया था टीजीडी का, तो अपने उसकी आंसर की बना रहे थे। अपने हिंदी के 20 क्वेश्चनों की बात कर चुके थे उसी दिन जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था, और जीके की उसके अगले दिन मैंने डाल दी थी मैथ की। 10 क्वेश्चन डाले थे, बिकॉज 10 क्वेश्चन इसलिए डाले थे क्योंकि जो क्वेश्चन 20 थे वो बहुत लेंथी क्वेश्चन थे। अगर मैं वीडियो बनाता तो पूरे 50 मिनट की वीडियो बन जाती, और लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि भाई वो 50 मिनट बैठ सके किसी एक वीडियो पर। तो उसको देखते हुए मैंने दो पार्टों में डिवाइड कर दी ताकि सबको ईजी हो जाए। और रह गई रीजनिंग और इंग्लिश की बात, और सेकंड पेपर साइकोलॉजी की। इससे पहले 22 तारीख के जो पेपर हुआ था अपने स्पेशल एजुकेटर का, उसकी तो साइकोलॉजी बना दी थी मैंने लोगों के कहने पर। अब इसकी देखिए भाई, टाइम ना होने की वजह से मेरे पास बन नहीं रही भाई, सीधी सी बात है। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्द आपके लिए वो वीडियो बना दूं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में लिए आपके लिए वो हेल्पफुल होगी। तो इंग्लिश की तो आपको शाम को मिल जाएगी, दोनों पेपरों की, 22 तारीख और 29 तारीख वाले पेपर की। तो स्टार्ट करते हैं अपने रीजनिंग का। और रीजनिंग का लाने का उद्देश्य मेरे इसलिए क्योंकि भाई क्वेश्चन सेम आ रहे हैं 22 तारीख और 29 तारीख वाला, ठीक है। तो आप देख के जाइए, पैटर्न बिल्कुल सेम टच हो रहा है। पीजीटी का जैसे पैटर्न बन रहा था उसी प्रकार पीआरटी का भी पैटर्न बन रहा है। जैसे स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम हुआ वैसे पीआरटी का एग्जाम भी होगा, याद रखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टूडेंट कहता है कि यदि परसों शनिवार था तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा। अब देखिए करने का तरीका, देखिए कहता है कि परसों शनिवार था तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा। अब कोई ना कोई मीडिएटर तो बनेगा, आपने औसत की हुई है भाई। अब देखिए दो दो दिन का डिस्टेंस चल रहा है, मैंने आपको औसत कहा था कि औसत हमेशा मध्य बैठती है। तो देखिए परसों शनिवार था तो परसों क्या होगा, तो आपको मैं समझा देता हूँ तो कैसे करेंगे। तो ये देखिए कहता है कि परसों शनिवार था तो आने वाले परसों क्या होगा। तो मैंने बीच में मीडिएटर बिठा दिया, एक औसत बिठा दी। तो मान लो दिन था मंडे, तो मंडे से पहले यदि परसों करूं तो क्या था शनिवार, तो प्रॉपर बैठ गया अपने। उसके बाद परसों क्या होगा, शनिवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, तो क्या होगा, बुधवार होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझाने के कारण थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये विद इन 5 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन था। ये उसने कहा था परसों शनिवार था तो आने वाले परसों क्या होगा, तो मीडिएटर को ही बिठा दिया मैंने मंडे। मंडे क्यों बिठाया, आपको दिमाग होना चाहिए कि मंडे के दो दिन पहले ही परसों क्या आएगा, शनिवार आएगा, तो उसको अकॉर्डिंग बिठाया मंडे को। उसके बाद क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन था सेम का सेम, आपको यहीं करवा देता हूँ। कहता है कि ए बी से बड़ा है, चलो आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर अपने करते हैं। कहता है कि ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है। तो कहता है कि ए बी से बड़ा है, कह दिया इसने पहली स्टेटमेंट। कहता है कि परंतु सी से छोटा है, तो सी से क्या है, ये छोटा है। इन दोनों को मिलाऊंगा तो सी तीनों में से बड़ा होगा, तो पहली इक्वेशन लाइन से क्या बन गया, सी बड़ा है ए से, ए बड़ा है बी से, तो पहली लाइन से ये बन चुकी है इतनी लाइन से। उसके बाद कहता है कि डी ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। जो डी है वो ई से छोटा है, ठीक है, परंतु ए से बड़ा है। तो ए वाली सिचुएशन अपने को याद थी, ए सी बी, ये वाली सिचुएशन याद थी अपने को, ठीक है, ये वाली। तो उसके बाद क्या कहते हैं, सी डी से छोटा है, जो सी है वो डी से छोटा है। तो ई बड़ा था किससे, डी से, और डी से छोटा कौन है, डी से छोटा है सी, ठीक है स्टूडेंट। तो ए सी और बी, ठीक है, इस प्रकार के सिचुएशन बनेगी। तो उसने पूछा सबसे बड़ा कौन सा होगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कहता है यदि अल्फा का अर्थ मल्टीप्लाई है, बीटा का अर्थ ऐड है, और गामा का अर्थ माइनस है, और थीटा का अर्थ डिवाइड है, तो बताइए 20 थीटा 2 अल्फा 5 बीटा 10 गामा 5 बीटा 15 का मान कितना होगा। तो देख लीजिए, यहाँ आपको पता होगा तो मैं वहाँ आपको सवाल कर, मैंने बीटा और उनके मान रख दिए, आप मान देख लीजिए, 16 में आपको करवा देता हूँ। तो वहाँ बीटा जो वहाँ थीटा का मान दे रखा था डिवाइड, तो मैंने डिवाइड लिख दिया, और अल्फा का मान मल्टीप्लाई दे रखा था, ठीक है, बीटा का मान प्लस दे रखा था, गामा का मान माइनस दे रखा था, फिर बीटा का मान उसने प्लस दे रखा था, तो मैंने वैसे वैसे सब मान रख दिया। अब देखिए सबसे पहले बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या सॉल्व होगा, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा पहले डिवाइड, अगर इसको काटता हूँ तो ये कितने पैसे कटेगा, 10 × 50, 10 × 5 कितने होते हैं 50 + 10, और ये माइनस के 5 है, और ये 15 किसके प्लस के, तो कितने रह गए, प्लस के 10 रह गए, तो 50 और 10 60 और कितने हो गए 70। ये हमारा बहुत इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं, विद इन एक मिनट में होने वाला क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, मैंने वहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रखा, यहाँ भी करवा दूँ आपको। कहता है कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वां और क्यू दाएं से 7वां है। तो पी भाई क्या है,
दाएं से 14वां है, ठीक है, और ये क्या है पी, और जो क्यू है वो दाएं से 7वां है। पी और क्यू के मध्य 4 लड़के बैठे हैं, ये 14वें नंबर पर है, ये 7वें नंबर पर है, तो इनके मध्य 4 बैठे हैं, 1 2 3 4, 14 और 4 कितने होंगे 18, 18 और 7 कितने होंगे 25, तो उसने पूछा कुल पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो 25 हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है लेकिन एक पैटर्न फॉलो करता है, कहता है कि B D C E D E, तो देखिए यहाँ एक पैटर्न बनता है, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, E के बाद F, F के बाद G, अब G के बाद क्या आएगा H, H के बाद क्या आएगा I, I के बाद क्या आएगा J, तो अपने को पता है J जो स्टार्ट हो रहा है वो आंसर होगा, तो ये तो कट चुका है। उसके बाद कहता है कि D, D के बाद E, E के बाद F, F के बाद G, G के बाद H, I, J, K, L, तो J, L वाला आंसर होगा, इट मीन्स ये भी कट गया, ये दोनों तो कट चुके हैं, तो J, L वाला 18, जेल 9। अब अपने फिगर्स को फॉलो करते हैं, ये 3 है तो ये 5 है, ये 15 है, ये 2 है, ये 4 है, तो फॉलो करने का तरीका देखो दो तरीके बन सकते हैं। अब देखिए इनके मध्य डिफरेंस कितने का है 1 का, ठीक है, अब 3 में 1 जोड़ूंगा तो कितना है 4, इनके मध्य डिफरेंस कितने का है 1 का, 5 में 1 जोड़ा कितने है 6, इनके मध्य डिफरेंस कितने का है 3 का, 15 में 3 जोड़े कितने 18, ठीक है, एक तरीका ये था, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद दूसरा तरीका भी सेम है पर आपको ये आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने, कहता है कि एक संख्या चुनिए जो दिए गए संख्याओं के समुच्चय के समान हो। ये क्वेश्चन था, मैं कहता हूँ कि अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन देखा है मैंने, मुझसे तो वही सॉल्व हुआ नहीं सही बताऊँ, ठीक है, बहुत सारे जितने भी मेथड लगाने थे लगा दिए भाई, 3 4 5 7, इनको जोड़ा सबको जोड़ा, कोई यूज़ नहीं हुआ और कुछ पैटर्न भी नहीं बन रहा। अगर किसी भाई को इसका आंसर पता है तो आप बता सकते हो, मोस्ट वेलकम है, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा भाई सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो आप बताइए, आपका स्वागत है। लेकिन एक्चुअली आंसर मुझे खुद को नहीं पता है, मैं ना तुक्का मारना चाहूँगा, लेकिन इतना पता है कि इंक्रीज़ हो रही है सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो कहीं भी डिक्रीज़ का ऑप्शन नहीं है, तो ये दोनों तो कट चुके हैं भाई। उसके बाद रहेगा 417 भी नहीं आएगा, 453 भाई जिसने लगाया है यही समझ के तुक्का लगाया होगा। अब देखो आगे क्या होता है। उसके बाद कहता है कि 27 लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 6 से 24, 24 से क्वेश्चन मार्क, फिर 20। अब इसको करने का तरीका देखिए, ये रहा स्टूडेंट वो क्वेश्चन, कहता है कि 6 से 24, 24 से क्वेश्चन मार्क 120, अब 6 के बाद 24 आ रहा है, कैसे आया उसके बाद 20 आ रहा है, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की क्यूब माइनस 2, 2 की क्यूब कितनी थी 8, माइनस 2 कितना आया 6 लिख दिया। फिर मैं 24 को कैसे लिखता हूँ, 3 की क्यूब 27 माइनस 3, ठीक है, तो ये कितना आया, ये आया 24, ठीक है। फिर कहता है कि अब इसकी जगह क्या लिखना है, 4 की क्यूब माइनस 4, ठीक है, कितना आया 60, 5 की क्यूब माइनस 5 कितना आया 120, ठीक है स्टूडेंट। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ 3 लिख दिए थे मैंने गलती से, यहाँ 5 आएगा, जितने क्यूब करनी है उतना ही घटाना है, यहाँ 2 की क्यूब की तो 2 घटाया तो कितने है 6, 3 की क्यूब की तो 3 घटाया कितने है 24, अगर ये पूछना था पैटर्न बन रहा है, 4 की क्यूब की माइनस 4 तो कितना है 60, 5 की क्यूब की माइनस 5 कितना है 120, ये था हमारा पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर, क्या है मिसिंग नंबर, ठीक है। यदि आपने मेरी एक ही मैंने वीडियो बनाई थी रीजनिंग की, पहला मॉक टेस्ट, उसमें पहला ही क्वेश्चन ये था और मैंने आपको प्रॉपर तरीके से सिखाया था कि इसको बनाने का वे क्या होगा, तो आइए देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन 26, मैंने कहा था कि आपको ये नंबर गिन लेने हैं, कितने नंबर हैं, ये 4 हो गए, 4 4 8 8 और 4 12, तो मैंने कहा था यदि 15 हैं तो अपने 5 5 में बांटेंगे, यदि 16 हैं तो अपने 4 4 में बांटेंगे, यदि 12 हैं तो अपने 4 4 में बांटेंगे, यदि 20 है तो 5 5 में बांटेंगे, ठीक है, यदि 8 हैं तो अपने 2 2 में बांटेंगे या 4 4 में बांटेंगे। अब ये कितने हैं 12 है, तो मैं इसको 4 4 में डिवाइड करके देखूँ, 4 4 पे पैटर्न बन रहा होगा, तो 4 यहाँ से स्लैश लगा दिया मैंने, एक यहाँ से स्लैश लगा दिया, ठीक है, तो मैंने 4 4 में बांट लिया इनको, ये 4 और ये 4, अब एक पैटर्न बनेगा, देखिए ए ए तो यहाँ भी क्या आएगा ए, ठीक है, इट मीन्स एक तो अपना क्या भर गया, एक अपना भर चुका है। उसके बाद कहता है सी, अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी सी, तो यहाँ भी क्या आएगा सी, ठीक है, उसके बाद ये भी अपना भर चुका है। उसके बाद ये देखिए ये डैश है, यहाँ क्या आ रहा है ई, तो यहाँ भी क्या आ रहा है ई, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा ई, ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा जी, तो हमारा आंसर क्या हुआ ई सी ए जी, ई सी ए
जी अपने को एक पैटर्न बना लेना है, चार चार का, तीन तीन का, जो फॉलो कर रहा हो नंबरों के अकॉर्डिंग। यदि 12 हैं तो 12 को किस में डिवाइड करेंगे, चार 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 मैक्सिमम नंबरों में डिवाइड करना है। यदि 20 है तो मैक्सिमम कितने होंगे, पाँच पाँच पाँच, मिनिमम तो दो दो भी हो सकते हैं, दो दो के 10 जोड़े बनाओ, अपने को मैक्सिमम जोड़े बनाने हैं। 16 के बनाऊंगा तो चार चार आठ आठ बनेंगे, याद रखना, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसका आंसर क्या आएगा, आपको मिल जाएगा उसके अंदर चार ऑप्शनों में मिल जाएगा। उसके बाद कहता है कि 29 था, ठीक है, 29 में वो कहता है कि फेवर को ये वाला लिखा जाता है, इक्यूरिटी लिखा जाता है, ठीक है। अब फेवर को कैसे लिख रहा है वो देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है, अपनी रीजनिंग की वीडियो में। एफ को क्या लिख रहा है, एफ को वो ई बना रहा है, एफ को ई बना रहा है, इट मीन्स माइनस एक कर रहा है, क्या माइनस एक कर रहा है। फिर ए को वो सी बना रहा है तो प्लस दो कर रहा है। फिर वो वी को यू बना रहा है, इट मीन्स माइनस एक कर रहा है। फिर वो ई को ई को क्या बना रहा है, ई को बना रहा है स्टूडेंट आर, सॉरी यहाँ कुछ मैंने गलती लिख दी है। अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोबारा से, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ ई नहीं था, यहाँ ओ था, ओ से क्या आया आर पर, ठीक है, तो माइनस एक। फिर यू से टी की ओर गया तो कितना आया, प्लस आया, ठीक है। फिर आर से वी की ओर फिर माइनस आया, ठीक है। इस प्रकार प्लस माइनस, माइनस प्लस का ए का एक फिगर बन रहा है, माइनस एक प्लस टू माइनस एक प्लस टू। तो उसी प्रकार क्या बनेगा, नीचे वाले फोस्टर में ही बनेगा। तो पहला क्या रहा, माइनस एक, एफ से माइनस एक करूँगा तो क्या आएगा ई, तो ई किस ऑप्शन में, ई ई ऑप्शन है दो में, इट मीन्स सी और ये ए तो कट चुका है। उसके बाद ओ को क्या करूँगा, ओ में प्लस दो करूँगा, ओ पी क्यू, तो क्यू किस में आ रहा है, चौथे में, तो ठीक है हमारा ओनली आंसर ही क्या है, ई क्यू। पहला माइनस कर रहा है फिर प्लस दो कर रहा है, फिर माइनस एक कर रहा है फिर प्लस दो कर रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि मास्टर का कूट 411-259 है तो पाउडर क्या कहता है, पाउडर का कूट क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, ठीक है, अब मास्टर को उसने लिखा 441-259, वो कैसे लिखा था। अब देखिए मास्टर एम आता है 13 नंबर पर, 13 नंबर का जोड़ कितना होगा, एक और प्लस तीन का कितना आएगा चार, फिर एक का तो एक ही एक नंबर भी आता है, फिर ऐसा आता है 19 नंबर पर, 19 को जोड़ा एक और नौ कितना आया 10, अपने को तो एक डिजिट चाहिए, फिर 10 को जोड़ा कितना आया, एक और जीरो को एक आया। 20 कितने, टी 20 पे आता है, दो और जीरो को जोड़ा दो आया, ई 5 पे आता है, आर 18 पे आता है, 18 को जोड़ा 8 और 1 को कितना है 9, तो उसने लिखा था मास्टर को 411-259 इस तरीके से। उसी प्रकार कहता है कि पाउडर को क्या लिखा जाएगा, तो पाउडर को लिखा जाएगा 765-400 ये वाला, ठीक है स्टूडेंट, 409 लिखा जाएगा, सॉरी 9 यहाँ 9 आएगा आर की जगह। अब देखिए पाउडर पहले 7 कैसे है, कमला का पति 16 का, कमला 11 की, इट मीन्स के 11 पर आता है तो पी कितने पर आएगा 16 पर, पी 16 पर है तो पी 16 को जोड़ूंगा तो एक और 6 कितने होते हैं 7, तो पहला 7 आ गया। उसके बाद ओ आता है 15 नंबर पर, ओ कितने पर आता है 15 पर, तो 15 को जोड़ूंगा एक और 5 कितने पे आते हैं 6, तो 6 आ गया। उसके बाद डी कितने पर आता है, डी आता है दूध वाला, दूध डी 4 पर, तो दूध डब्ल्यू कितने पे आएगा 23 पर, 2 और 3 को जोड़ूंगा तो कितने आएंगे 5 आ गए, 5 आ गए। उसके बाद डी कितने पर आता है 4 पर आता है, ई कितने पर आता है 5 पर, आर का देखिए आर का ये बना, आर 18 पर आता है तो दोनों का जोड़ कितना होगा 9, तो हमारा जो आंसर होगा आप टिक कर लीजिए, आंसर सी होगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहता है कि एक प्लेटफार्म पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा कि यह मेरी माता के पुत्र के पिता की बहन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, मंजू है ये वो लेडीज़ है, इसकी ओर इशारा करते हुए ये मेरी माता है, माता को जो पुत्र है, इट मीन्स ये दोनों भाई बहन हो गए, इसके पिता मतलब इन दोनों के पिता की ये क्या बहन है, तो क्या होगी बुआ होगी, भाई माता जिसने लगाया, गलत आंसर है। नेक्स्ट और की बढ़ते हैं, नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, कहता है कि रीना की आयु सुनीता से दोगुनी है और 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु सुनीता की आयु की 3 गुनी है, तो रीना की आयु क्या होगी। तो ये देखिए इसको अपने दो मेथड से बना सकते हैं, या तो बाय ऑप्शन से बना लीजिए, या जो मैंने आपको अनुपात कराए थे कुछ 4 मंथ पहले अनुपात का टॉपिक कराया था उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो उससे पहले अपने ये क्वेश्चन कर लेते हैं, 234 ये इजी है, उसके बाद अपने 32वां करते हैं। कहता है कि समरूपता पूर्ण कीजिए, कहता है महासागर का संबंध जो जल से है वही ग्लेशियर का संबंध किससे है, बर्फ से है। कहता है कि कुश्ती कराटे और मुक्केबाजी के समान कौन सा है, तीनों में हाथ पैर चलते हैं, तो क्या होगा जूडो होगा। अब करते हैं 32 क्वेश्चन, देखिए 32 कहता है कि जो रीना थी वो दोगुनी थी सुनीता की और 3 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी। अब मैंने आपको अनुपात में बताया था कि इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस आप सेम कर लीजिए, जैसे इनका डिस्टेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है,
इसका डिस्टेंस कितना आ रहा, जीरो। अब इन दोनों को सेम करने के लिए आप करोगे क्या? अगर सेम है तो बहुत बढ़िया, फिर तो एक सेकंड में मान आ जाता है, बस सेम करने की दिक्कत होती है और कुछ नहीं। तो सेम करना, इन दोनों का जो अंतर होगा दो, इन दोनों का अंतर होगा जो एक, इसके अंतर को इनसे गुना करना है और इसके अंतर को इससे गुना करना है। तो याद रखिए, नीचे वाले का अंतर कितना है था दो, तो इसको गुना किए चार, ये कितना है दो, ये कितना है, इसका अंतर कितना था एक, ये तीन आया या एक। अब दोनों का डिस्टेंस देखिए, एक और एक, दोनों का डिस्टेंस इक्वल आ गया। अब एक का मान कितना था, एक का मान तीन, तो भाई उसने पूछा कि रीना की आयु कितनी होगी, तो ये चार और दो था, तो चार से मल्टीप्लाई कर दो भाई, चार इंटू तीन, तो कितना आ गया बारह। एक तरीका तो ये है भाई करने का। दूसरा तरीका बाय ऑप्शन बहुत अच्छा है। यदि मैं मानता हूँ कि ऑप्शन उठाता हूँ बारह, रीना की जो आयु है बारह, तो अपने को पता है कि जो वर्तमान आयु है वो रीना सुनीता से कितनी है, दो गुनी। यदि 12 है तो ये कितनी होगी स्टूडेंट, ये होगी 6, उसने खुद ने क्वेश्चन में बताया। उसके बाद कहते हैं तीन वर्ष पूर्व, यदि मैं तीन वर्ष पूर्व करता हूँ, ये 9 है, ये कितना हो गया 3। अब इनका अनुपात देखिए भाई, ये तीन से कट रहे हैं, तीन अनुपात एक, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं 8 मानता हूँ इसका आंसर, कितना मानता हूँ 8, तो ये कितना होगा 8, ये कितना होगा 4, और तीन वर्ष पूर्व ये कितना होगा 5, ये कितना हो गया तीन वर्ष पूर्व, ये एक हो गया। भाई ये तीन अनुपात एक बन रहा है, नहीं बन रहा, ये बिल्कुल कट चुका है। तो जो बनेगा तीन अनुपात एक, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 35, कहता है कूट में, ये अपने को दे रखा है कूट भाषा में, कहता है कि टिंक लोंग से का अर्थ है फल पके हैं, से थो हे टिंक का अर्थ है आम नहीं पके, हे से क्यू टिंक का अर्थ है केले पके नहीं है, तो किस शब्द का अर्थ आम होगा, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 1/12/91 को प्रथम रविवार है, तो 91 का चौथा मंगलवार कौन सा होगा। दोनों क्वेश्चनों को करते हैं अपने। क्वेश्चन में अपने को बताना था कि आम का कोड क्या है, तो मैंने नीचे वाली दोनों लाइनें ले ली कि आम नहीं पके हैं, केले नहीं पके हैं, तो आम का कोड था थो से हे लिंक, और इसका केले नहीं पके हैं क्यों से हे लिंक, तो दोनों सेम देखिए, दोनों सेम हैं, और पीछे क्या है पके नहीं, पके नहीं, इट मीन्स ये पके नहीं का कोड होगा, जो रहेगा ये आम का कोड होगा, ये केले का कोड होगा, तो उसने आम का पूछा था, तो THAO होगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट कहता है कि 1/12/91 को संडे है, 1/12/91 को संडे है, तो इसका इस महीने का चौथा मंगलवार कब आएगा। अब भाई पहले ही दिन संडे है, तो मंगलवार निकाल लीजिए, पहला मंगलवार कब आएगा, पहला मंगलवार आएगा 3 तारीख को, हर 7 दिनों बाद कोई ना कोई वार रिपीट होता है, तो मंगलवार 3 को है, तो दूसरा मंगलवार 10 को होगा, फिर 17 को होगा, फिर 24 को होगा, फिर 31 को होगा, ये टोटल मंगलवार मैंने 5 निकाली, मांगलिक निकालते हैं जैसे। तो उसने पूछा था कि चौथा मंगलवार बताना है, तो चौथा मंगलवार क्या होगा, चौथा मंगलवार होगा 24 को, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक पंक्ति में विजय आगे से 14वां, ये रहा विजय आगे से 14वां, ठीक है, ये विजय मान लिया, और था कौन जैक पीछे से 17वां, तो जैक मान लिया 17वां, ठीक है। और कहता है कि जब जबकि मैरी विजय और किसके जैक के मध्य है, मैरी यहाँ बैठी है भाई, ठीक है। अब मैं आपको पूरा समझाऊंगा, यदि विजय जैक से आगे है तो पंक्ति में 48 व्यक्ति हैं, तो बताइए विजय और मैरी के मध्य कितने व्यक्ति हैं। आपको पता है कि टोटल व्यक्ति कितने 48, तो 14 यहाँ से निकल गए, 17 यहाँ से निकल गए, इट मीन्स कितने निकल गए 31 बंदे निकल गए, और पीछे बंदे कितने रह गए 17, ठीक है, तो ये इतना निकल गया। अब कहता है कि विजय और मैरी, जो मैरी है विजय और जैक के मध्य बैठी है, ठीक है, 48 थे, 48 में से 31 निकाल दी, पीछे 17 रह गए। अब आपको पता है कि बीच में कौन बैठा होता है, बीच में हमेशा बैठा था औसत, तो औसत का मतलब होता है ये औसत है, तो एक इधर छोड़ा, एक इधर छोड़ा, दो इधर छोड़े, दो इधर छोड़े, तीन इधर छोड़ा, तीन इधर छोड़े, चार इधर छोड़ा, चार इधर छोड़े, यही औसत होता है। अब उसने कहा है कि मैरी विजय और जैक के मध्य बैठी है, 17 बंदे हैं, 17 में से यदि मैरी को मैं यहाँ बिठा देता हूँ तो पीछे बंदे कितने रह गए 16, तो 8 इसको दे देता हूँ, 8 इसको दे देता हूँ, यही होता है बराबर बराबर औसत बांटना। अब उसने कहा है कि विजय और मैरी के मध्य, मैरी ये रही विजय, इसके मध्य बंदे कितने हैं 8, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि श्रृंखला दे रखी है, श्रृंखला में कहता है कि कितनी कर्मागत संख्याओं के युग्मों के बीच दो अंतर है, दो का अंतर है, तो कर्मागत उल्टी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, कोई मर्जी कर्मागत हो, तो दो का अंतर है, जिसने किया भाई बिल्कुल सही किया है, इनका अंतर दो है, इसका 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 अंतर दो है, कोई भी दो कर्मागत संख्या रही है उनके अंतर्गत दो होना चाहिए, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं 6, तो हमारा आंसर कितना हुआ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि यदि कॉम्पोनेशन में पहले और दूसरे शब्द को और उसी प्रकार तीसरे चौथे को पांचवें छठे को सातवें आठवें को आपस में बदलता जाए, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, तीसरे को चौथे से, चौथे को तीसरे से, आपस में बदल दिया जाए सेम क्रम में, तो दाएं से पांचवां कौन सा होगा, तो आपको मैं बता देता हूं कैसे करेंगे इसको।
ये देखिए स्टूडेंट कॉम्पोजनेट को मैंने बदल दिया किसमें, पहले को दूसरे से, मतलब पहले सी था दूसरा यू था ओ था, तो ओ को पहले लिया सी को बाद में लिया, इसी प्रकार सारी चेन को मैंने बदल दिया। और दाएं से पांचवा कौन आया, दाएं से पांचवा आया आई, तो हमारा आंसर क्या होगा आई। ठीक है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 स्टूडेंट, ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका आंसर प्रॉपर जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें इसका आंसर नहीं मिलता भाई, इसका आंसर आता है 229 और 228 के मध्य, ठीक है, और इसके नज़दीक आपको आंसर मिलेगा 230। अब करने का तरीका देखिए स्टूडेंट, अब कहता है कि ए और बी, ये ए है ये बी है, दोनों के मध्य 450 डिस्टेंस है, ठीक है, ये ए है ये बी है, ए बी से जाता है और 70 किलोमीटर की ओर, आधे घंटे के बाद जैसे ये स्टार्ट करता है, इसके आधे घंटे बाद बी स्टार्ट करता है 80 किलोमीटर की ओर बी से ए की ओर, ये पहला आधे घंटे स्टार्ट कर लेता है, लेकिन अपने करने क्या है दोनों को अपने, ये देखिए ये आधा घंटे, तो अपने इसके आधा घंटे की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस क्या थी दोनों के मध्य 450, इसने आधा घंटा चला, अब आधा घंटा मैं इसको क्यों चला रहा हूँ पहले, क्योंकि ये भी आधे घंटे बाद चल रहा है, तो मैं दोनों को दोबारा से इक्वल स्टार्ट करवाऊँगा, तो ये एक घंटे में 70 किलो चलता है, तो आधे घंटे में कितना चलेगा, ये आधे घंटे में इसने चल लिया 35। अब लोगों के मन में होगा सर आधा घंटा क्यों चलाया, क्योंकि भाई ये बंदा भी आधे घंटे बाद चलेगा, तो दोनों को मैं इक्वल चलवाऊंगा, ये 450 थी, 450 में मैंने उसे 435 पहले चलवा दिया, तो पीछे कितना रह गया 415, तो डिस्टेंस अब कितनी आ गई स्टूडेंट, अब आ गई 415, तो ये यहाँ पे आ गया ए, ठीक है स्टूडेंट, और बी यहाँ पे था, अब दोनों एक दूसरे की ओर चले, ये 70 से चला, ये कितना 80 से चला, ठीक है, तो अपने को पता है कि जब विपरीत ओर चलते हैं तो दोनों की जो डिस्टेंस है जो है वो जुड़ जाती है, 70 और 80 कितनी होगी, ये होगी 150, तो हमारे हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, हमारे पास स्पीड आ चुकी है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 450 थी, ठीक है, डिस्टेंस की स्पीड कितनी आएगी 150, अगर मैं डिवाइड करूँगा तो टाइम आएगा 2 point something, टाइम आएगा 2 point something, और मैं इसको गुना कर लूँगा 70 से, ठीक है, 2 point 70 से गुना समथिंग आएगा, फिर जोड़ दूँगा 35, तो अपने को पता चल जाएगा कि कार ए और बी से कितनी दूरी पर, 70 से क्यों किया, तो उसने ए से पूछा था, तो मैंने गुना कर दिया, तो हमारा निकलेगा 228 और 229 के मध्य, जो 230 के 30 है। अब देखिए इसका आंसर देखिए देती है बोनस क्या नहीं देती, ठीक है स्टूडेंट, ये थे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए, धन्यवाद।